दरम्यान टीम मध्ये कोणतेही ग्रुपिझम नसून धोनीचा हा निर्णय पूर्णतः वैयक्तिक असल्याचं मत माजी क्रिकेटपटू लालचंद राजपूत यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर आता विराटला धोनीच्या कॅप्टनचा वारसा म्हणून चांगलीच कामगिरी करून दाखवण्याचं आव्हान असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. नहीं लगता क्योंकि धोनी इन सबसे ऊपर है बिकॉज मैंने उसे बहुत करीब से देखा है और ये सब यू नो उसके वो कभी मायने रखता नहीं है. उनको पता है कि बस अगर मैं खेलूंगा तो मुझे टीम के लिए खेलना है और यू नो टीम में जैसे कि अनबन या कोई यू नो इज़्ज़त मुझे नहीं लगता कि वो सब ध्यान देता है. और जब तक धोनी है ऐसे कभी हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि वो ऐसे होने भी नहीं देते हैं कि ग्रुपिज्म करने बिकॉज धोनी ने ये स्टैंडर्ड इतना ऊपर तक ले गया है. तो मुझे लगता है जो भी कोई कप्तान आएगा उसके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विराट यस यंग है, एग्रेसिव है, उनके पास एटीट्यूड है, लेकिन जो मुकाम पर अब इंडियन टीम ने जैसे कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, नॉर्मल वर्ल्ड कप जीते, इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन हुए और आई थिंक वो सब कुछ पाया धोनी ने. तो वो अगर बरकरार रखना है मुझे लगता है कि ये विराट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. महेंद्र सिंग ह्याच्या रिटायरमेंटच्या निर्णयानं दुःख झालं असून धोनीनं हा निर्णय आत्मपरीक्षण करून घेतला असेल असं मत बीसीसीआयचे सेक्रेटरी संजय पटेल यांनी व्यक्त केलंय. मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि हर प्लेयर का अपना एक चॉइस होता है एंड बीसीसीआई को इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए. धोनी एक महान खिलाड़ी है, एक महान कैप्टन भी है. आज उसका योगदान क्रिकेट के बारे में एंड पर्टिकुलरली टीम डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग में उसका योगदान क्रिकेट जगत और पर्टिकुलरली बीसीसीआई कभी नहीं भूलेगी. एंड इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि उसका जो डिसीज़न है वो उसका खुद का है और जो भी उसने डिसीज़न लिया उसके लिए हमें हाँ दुख हुआ, एक सैडनेस आई कि इतना बड़ा खिलाड़ी अचानक टेस्ट क्रिकेट में से अलविदा लेता है. बट हर एक आदमी को एक ना एक दिन लेना होता है एंड मेरे हिसाब से धोनी ने जो भी डिसीज़न लिया है खुद को इंट्रोस्पेक्शन करके वो बीसीसीआई को मंजूर है. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.